बिलाल अबशी नूं लै के जिहड़े वेले सिद्दीकी अकबर नबी दी बारगाह दे अंदर आए, मेरे नबी दी निगाह बिलाल दे चेहरे ते पई। उठ के मेरे आका ने बिलाल दा कंधे दे उत्ते अपना बाजू रख लिया। हजूर लैके अपनी जगह ते बह गए। बिलाल दियां निगाहां रीवियां रोई जा रहे। हजूर ने फरमाया बिलाल मेरे वल वेख। अर्ज कीती सोने असा गुलामा कदे मालकां दे चेहरे नहीं वेखे। सोने मारा बड़िया पैंदियां ने। फरमाया बिलाल उहनूं दुनिया दार दा गुलाम नहीं बनिया, रब दे यार दा गुलाम बनिया। फुन्नी गावा झुका के ना जिया कर, फुन्नी गावा उठा के जिया कर। फरमाया आ तेरे इश्क दा इनाम देवा। फरमाया लोगो सारे नबियां तों पहले मैं जन्नत जावांगा, उम्मत तों पहले मेरी उम्मत जन्नत जाएगी। फरमाया बिलाल दा इनाम वे ए मेरे तों पहले जन्नत जावेगा। अर्ज कीती कमली वाले जन्नत दा ताला ते तुसां खोलने, बिलाल किवें पहले जावेगा। फरमाया जिहड़ी सवारी ते बह के मैं जन्नत जाणे, ओहदियां बागां फड़ के अगे अगे बिलाल तुरदा होवे। अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना वरदनल अमानता लस्समावाति वल्लारदि वल्जिबाल फअबैन अय्यहमिलहा वअस्फक्न मिन्हा वअमलहा अलइंसान इल्लहु काना ज़लूमन जहूर। ने फरमाया बंदिया इश्क दा बोझ चुक लवेगा। अर्ज की चुक लवांगा, कुदरत आबाद जन्नत छड़नी पवेगी। अर्ज की छड़ देवांगा। फरमाया साढ़े 300 साल सजदे ते रोना पवेगा। अर्ज की रो लवांगा। फरमाया पुत्र दे हलक ते छुरी रखनी पवेगी। अर्ज की रख देवांगा। फरमाया अग विच छालां मारनियां पैणगियां। अर्ज की मार देवांगा। यूसुफ वर्गे पुत्र दियां जुदाइयां सहनियां पै लगियां। अर्ज कीती अल्लाह सह जावांगा। फरमाया यूसुफ बल्कि मिस्र दे बाजारां च विकना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह बिक जावांगा। फरमाया सूली चढ़ना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह चढ़ जावांगा। फरमाया कैदी बनना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह बन जावांगा। अद्धी रात वेले उठ के रोना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह रो लवांगा। फरमाया ताइफ विच पत्थर खाने पैणगे। अर्ज कीती अल्लाह खा लवांगा। फरमाया मदीना छड़ के करबला आउणा पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह आ जावांगा। 1800 दा कबर देना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह दे लवांगा। 6 महीने दा असगर देना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह दे लवांगा। फरमाया निकी जी सकीना रोंदी वेखनी पवेगी। अर्ज कीती अल्लाह वेख लवांगा। फरमाया मेदे चढ़ के कुरान पढ़ना पवेगा। अर्ज कीती अल्लाह पढ़ लवांगा। कुदरत दी आवाज आई ते तू सारा कुछ मेरे इश्क बदले करेगा। फिर तेनू फरिश्तियां कोलो सजदे ना करावा। मैनू रब कौन आखे। मालूम होया कि इंसान दुनिया ते बाद च आया, इश्क पहले करके आया है। अज बच्चा छोटा होवे ते कम वड्डा कर जाए, बाप विचू बड़ा राजी होंदा है। मगर फिर प्यार दी झिड़क मार के बच्चे नूं कहंदा तेनू कादियां कालियां वड्डा होके कर लवें किधरे नजर ना लग जाए। इंसान ने जदों इश्क दा बोझ चुकया ते अल्लाह राजी ते बड़ा होया। पर अल्लाह करीम ने कुरान मजीद च बंदे नूं प्यार दी झिड़क मारी। फरमाया इन्ना हू काना ज़लूमन जहूला। फरमाया जाहिला अपनी जान ते जुल्म कर ले आई, इश्क कर ले आई।
इश्क कर लिया। मेरा दिल कर दिया मैं तो तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बहू को करवा के देवा। थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। हाथ भी नहीं चुकना मत कि कोई शहीद ही ना हो जाए। उदो आया सा लंगर है से कहते ने हुण भी है। सच्ची दसो सुभान अल्लाह बनती कि नहीं हुण? थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाना। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा ना पुत्रा तू पलिया ही हजूर दे लंगर ते ओ बोले सुभान अल्लाह। तो के जिदा खाइए ओदा गाइए, जड़ा हजूर दी तकसीम चो खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। आर बंदे सुल्तान ने फरमाया आशिक होवे रखी वागे पहाड़ा ओ अलिफ लाम मीम हसीब अन्नास अयतरको अयकुल आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ए दिल रखी वागे हजार उला में कर जानी बागे पहारा वो मंसूर जाए चुक सूली चाड़े केड़े वाकिफ कुल असरारा वो सर सजदे ओ ए ना चुकिए बाहो पावे काफिर कैन उच्चा बोलो सारे उच्चा बोलो। आमीन आमीन आमीन। आशिक होवे इश्क कमावे तो दिल रखी वांग पहाड़ा इश्क नु सौखा ना समझी जे कर लवे तो फिर दिल रखी वांग पहाड़ा। अहले इल्म ने सूफिया ने इश्क होवन दियां बड़ियां वजह लिखियां क्यों इश्क होंदा, मगर इस बात सारे दा इत्तेफाक है कि जड़ी इश्क दी पहली वजह है ओ हुसन है। हुसन वेख के इश्क हो जांदा, हुसन अखलाक होवे और रंग दा हुसन होवे, किसे दे नक्शो निगार होवन, किसे दे अंदर खिताबत दा हुसन होवे, किसे दे अंदर अखलाक हुसन खुलक होवे, कोई भी हुसन। और कुरान मजीद दी सूरह यूसुफ पढ़ के वेख लवो के हुसन होवे यूसुफ दा ते जुलैखा दीवानी हो जांदी है, पता चलिया के हुसन होवे ते इश्क हो जांदा है। हुसन जदा होवे के बनान वाला भी सामने बिठा के आखे तेरी कसम है तेरे वर्गा दूजा बनाए कोई नहीं, फिर ओनू वेखन वाले भी दीवाने ते अन डिठे भी दीवाने। आज मेरा दिल कर दे मैं तुहानू एक ओदी गल सुनावा जिन्हें हुसन वेख के इश्क कीता है, ते एक ओदी सुनावा जिन्हें बस ना सुन के कीता है। उंज झाती मार के वेखिए ते असां वेख्या ते नहीं, अल्लाह उंज बखा देवे पर असां ते ना ही सुनिया ना सोने दा।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਪੇ ਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਇਹ ਜਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਉਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਅਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਹਬਸ਼ਾ ਚੋਂ ਬਿਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਰਨ ਚੋਂ ਉਵੈਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਰੂਮ ਚੋਂ ਸੁਹੇਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਫਾਰਸ ਚੋਂ ਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਪੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨੇ ਅੰਨ ਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਜੀਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰਦੇ 1999 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੋ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਕ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਊਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਪੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਜੁਦਾਨ ਮੱਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਇਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰ ਪੋਤਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਰੀਮ ਇਬਨੁਲ ਕਰੀਮ ਇਬਨੁਲ ਕਰੀਮ ਇਬਨੁਲ ਕਰੀਮ ਯਾਨੀ ਯੂਸੁਫ ਬਿਨ ਯਾਕੂਬ ਬਿਨ ਇਸਹਾਕ ਬਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਯੂਸੁਫ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਇਸਹਾਕ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰ ਆਪਣ ਪੋਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਬੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ 32 ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਵਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਹੁਸਨ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਵਕਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖ ਗਿਆ ਖਰੀਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਊਂਟ ਚਾਰਿਆ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਊਂਟ ਚਾਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਹੈ ਸੁਬਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂੰ ਹੀ ਤਮਾਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਅਫਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਲਟਾ ਦਿਮਾਰ ਪਕੜੀ ਤੇ ਚਰਾਗਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਫਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਬਾਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਾਲ ਅਲੀ ਉਂਟ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜਦ ਆ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਗਮੇ ਪਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਆਵੇਗੀ ਨਗਮਾ ਮੇਰਾ ਆਵੇਗਾ ਜਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ
अच्छा जी इंसान की फितरत ना जिदी आवाज सोहनी लगे ना दिल कर दो सामने बह के बोले। हजरत मूसा रब ना गल्लां करदे सन ना ते रब नजर नहीं सी आउंदा, जो आवाज एडी अच्छी लगी ते आख्या हुण रब यारे नहीं सामने आ। इंसान की मजबूरी है भाई, फितरत इंसान की, जिदी आवाज सुनदा दिल करदा सामने बह के, इसलिए वीडियो कॉल करदे ने ना। हाँ जड़ा बोले सामने बह के बोले, इंसान की फितरत, लिहाजा इन्होंने मुहब्बत की अल्लाह ताला कबूल करे। हुण मैं मुड़ वापस लै चला वे, थोड़ा होर रौला बोलो नज़र ना लग जाए। अजे तो मैं शुरू भी नहीं होया, मैं तो अजे तमही सुना रहा, तकरी तो अजे मैं शुरू करनी है भाई। अल्लाह फरमाए एक दिन आवाज़ यदि होगी तो नगमा साडा, और नगमा जिदे बारे अलामा इकबाल सियालकोट के कलंदर ते लाहौर के दरवेश मुसव्वर पाकिस्तान ने फरमाया, अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज फकत तेरी दीद का बहाना बनी। अल्लाह फरमाए एक दिन तराना साडा, नगमा साडा, ते आवाज़ यदि होगी जग भी सुनेगा ते रब भी सुनेगा। बिलाल फरमाते ने मैंने चंद दिन मक्के होए ना, ते एक मेरा यार बन गया जिदा नाम है अम्मार बिन यासिर, वो भी गुलाम ते मां भी गुलाम। रात नु असी कठे चक्की पीसने आ ते दिन नु ऊंट चारने आ। आप फरमाते ने कि मैं कुल मक्के दे हालात पे पूछना, ते रोजाना असी रात नु गल्ला करने नाले चक्की पीसने आ। एक रात ना शाम दा वेला ते फरमाते ने ओ दरवाजे चो एक सोहना जिहा गुजरिया, ओ गुजरिया की मेरा दिल भी नाल ही लै गया। तर्जमा करवा के देवा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को, यार बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं, मुर्शद वाला बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बाएं जानब तीन सैयदजादे बैठे थे, अल्लाह दा ये बड़ा शुक्र है, सैयद मेरे ना बड़ा प्यार करते हैं, मैंने तो इन्होंने जोड़ा है तो मैं तो हो करना है, मैं तो इन्हों के नाने का गुलाम हाँ ना भाई, मगर ये बड़ा शुक्र है मेरे ना बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने मैंने लामा देना कि साढ़े जो डेरिया आते हो तो इन्नी जुबान अल्लाह करवा दौ तो ये को बोलते ही नहीं, ये तो आड़ी भी इज्जत का मामला, रोंद ना मारो तो ये उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। रोंद का पता क्या कोई ना, शुक्र है चलो पता है, मैं रहीम यार खां गया, मैं आख्या रोंद ना मारो, वो एक दूजे को पूछने लग पे रोंद की होंगे, तो तुहानू शुक्र है पता तुसी मारते रहते हो, चलो हुण रोंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरबेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने काले कुंडल ज़ुल्फ़ माही काल चले हुन केड़ा अख नले अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया लाल फरमा दे सोना गुजरिया दिल नाल ही ला गया। अमार बिनिया से कंधे ते हाथ रखे फरमान लगे अमार सोना जे कौन गुजरिया है, अमार कह लगे तेनू नहीं पता एदा नाम मुहम्मद मक्के दे चौधरियां दा बेटा है, काबे दे मतवली दा पुत्र है। हजरत बिलाल हबशी फरमा देने सोना गुजरिया मेरा दिल भी नाल ही लग गया, हुण सारी सारी रात उड़ीकां करदा रहना कदों सोना गुजरे मैं वेख लवां, कदों सोना गुजरे मैं वेख लवां। बाबा भुल्ले शाह ने एवें नहीं फरमाया, इश्क आप भी अब अल्लाह दे कम भी अबले, इश्क आप भी अब अल्लाह दे कम भी अबले, कुछ छड़दा नहीं आदा जिदे पै जावे पल्ले। इश्क आप भी अवला ते दे कम भी कुछ छड़दा नहीं होता जिदे पै जावे
ਪੱਲੇ ਇਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਇਸ਼ਕ ਨਾਰ ਇਸ਼ਕ ਅੱਗ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਅੱਕੜ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕਬਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾ ਯਾਦ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗੁਦਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਿਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ बिलाल हबशी होश करा के फरमाते ने अम्मार तेनु मार क्यों पई अम्मार कह लगे बिलाल वेख मैं इन्हां नु कहना कि रब इक्को ही है ए मार दे ते बिलाल फरमाते ने मारा खान वाली गल्लां ते तू आप करना रब भी कदे इक होया तेनों नहीं पता कि आ जड़े काबे च 360 बुत ने सारे माजल्ला रब ने इन्हें रबा को साढ़े काम नहीं होंगे तो एक रब केड़े केड़े काम करेगा तेनों कौन कहता रब एक होंगे ते बिलाल फरमाते ने ओ जड़ा सोना जा गली च गुजरदा ना ओ मेरा रसूल कहता रब इको ही है बिलाल ना सोची जे पै गए हजरत अमार कंधे ते हाथ रख के फरमाते ने बिलाल की पे सोचना है ते बिलाल कहंदे ने अकल नहीं मानदी कि रब एक होवेगा पर जे ओ कहंदा है ना फिर एक ही होवेगा क्योंकि ओ सोना कहंदा है ना फिर एक ही होवेगा बिलाल ने खुदा दी वहदानियत दी दलील की बनाई हुस्न मुस्तफा आख्या एडा सोना झूठ ते नहीं ना बोलदा मैं ते है ही नक्शबंदी मुजद्दी हां मेरा ते ईमान ही है जेड़ा हजरत शेख सैयदना इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत मुजद्दद अलफसानी दा ईमान है आ फरमाते ने मैं तेनू इस वास्ते रब नहीं मानदा कि तू आसमान बनाए इस वास्ते भी नहीं मानदा कि जमीन बनाई मैं तेनू इस वास्ते भी नहीं मानदा कि तू कायनात ते रब्बिल मशारिक वल मगारिब आवाज है मैनू क्यों मानना है फरमाया ओ खुदा ए मुहम्मद अस मैं तेनू इस वास्ते खुदा मानना तू मेरे मुस्तफा दा खुदा है तो मेरे मुस्तफा दा खुदा है अल्लाह ने अपनी वहदानियत दी दलील भी अपने महबूब नु बनाया फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु जे नहीं तसल्ली होई ते मैं थोड़ा जा नुक्ता ए जेड़ा महीना रजब शरीफ दा कल शबे मेराज है जी सुना देवा माशाल्लाह आदम अलैहि सलाम आए ना ते आपने फरमाया भाई मेरे पुत्रो मेरी औलाद मेरे पुत्रो मेरी कौम अल्लाह इक्को ही है वहदहू ला शरीक औलाद ने पूछा अबू जी तुहानू किन्ने दसे फरमाया जिब्रील वही लेके आए उन्हें दसे इब्राहिम आए थे आपने फरमाया वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद अल्लाह एक ही है कौम ने पूछा तुहानू किन्ने दसे फरमाया जिब्रील वही लेके आए ने वमा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूला हजरत मूसा कलीम आए थे फरमाया अल्लाह एक ही है कौम ने पूछा तुहानू किने दसे फरमाया जिब्रील वही लेके आए उन्हें दसे आज आदम ता ईसा जद भी नबिया ने आख्या अल्लाह एक ही है कौम ने पूछा तुहानू किने दसे फरमाया जिब्रील ने दसे जद आई ना शबे मेराज ते जिब्रील सिदरा ते रुक गए मेरे नबी फरमाया तेरे अख लाके सारे नबिया आख्या अल्लाह एक ही है ते अल्लाह वेखे आई सुभान अल्लाह कह लगा तेरी ज़ुल्फ दे कुंडल दी कसम वेखिया मैं भी कोई नहीं सुराख च वही दी आवाज आउंदी है ते मैं सुन के नबियां तक पहुंचा देना देखिया मैं भी कोई नहीं काला दिवाली जरे वेले मेराज करके वापस से आए अल्लाह ने फरमाया कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह ने फरमाया कमली वाले कह दे अल्लाह ही कोई है लोगों ने पूछा कि मैं दसे आ जाए फरमाया दसे आ किसे नहीं देख के आया कोई बाकी सारे दी सुनी गवाही ते मेरे नबी दी वेखी गवाही तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह होर आसान कर देवा ए अदालत च को मुकदमा अल्लाह ना करे होवे ते तीन गवाह होवन पहला गवाह होवां मैं जज साहब मैंने पूछा नासिर साहब तुसा वाकया वेख्या मैं आखा नहीं मैं ते पीर इरफान शाह जी को सुनिया
इरफान शाह जी होम और दूसरे गवाह थे, इन्होंने बुला के जज पूछे शाह जी तुसा वाकया वेख्या है? ये कहन मैं वेख्या नहीं, मैं ते पीर सैयद अहमद रजा शाह साहब बुखारी को सुनिया से। ये होमन आखिरी गवाह थे, जज साहब इन्होंने बुला के पूछन शाह जी तुसा वाकया वेख्या सी? ये कहन वेख्या मैं भी कोई नहीं, मैं भी किसी को सुनिया ही सी। ते असी सारे झूठे, ते जे शाह जी कहन मैं वेखे सारे सचे, तेरी मेराज तू सदके जावा, तू रब नू की वेख के आया? सारे नबी सचे साबित हो गए। पता लग्या खुदा दी वहदा नहीं जदी दलील जाते मुस्तफा है ना। आख्या जी ओ सोना कहंदा फिर रब इको ही होवेगा। बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, शाह जी रौले ही पै गए। गुलाम असी खरीदने आ दे, एक कलमा मुहम्मद दा पढ़ के गुलामियां ओदियां कर देने। नौजवानों अब्दुल्ला बिन जुदान आप दे मालिक दे कोल अबू जहल ते उमैया आके कहन लगे तेरे गुलाम मुहम्मद दा कलमा पे पढ़ देने। उन्हें पूछा केड़ा गुलाम? कहन लगे बिलाल है, तेरे ऊंट चार दा हबशी गुलाम है। शाह जी बड़ी बेनियादी ना कहन लगे जेड़ा भी है नु मार दियो। जद दरवाजे च उमैया ते अबू जहल गए ते कहन लगा मारन तो पहले ओदे कोल मुहम्मद दा कलमा जरूर छोड़ा लिया जे। उधर बिलाल ऊंट पे चार दे, आप फरमा दे मैनू खबर ही नहीं कि मैं की बनन वाली है। नौजवान जड़ वेले बालों तो पकड़ के घसीट के मैया मके लाके आया। सारी रात मैया मारदा रहा, अगला दिन आया दे गुलाम मार दे रहे। उन रातियों मैया मारदा, दिन गुलाम मार दे नहीं। सारी सारी रात मार खा के ओ मैया दे सामने बिलाल आहद आहद नारे लगा दे नहीं। ओ मैया बाला तू जंजूड़ा मार के कहन लगा बिलाल दस मोहम्मद दा दामन छड़ना ही के नहीं छड़ना। आ फरमा दे ना जे ना छड़ा की करेगा। कहन लगा तेरी जान कर देवांगा। बिलाल हंस के फरमा दे ने कर दे मेरी जान कर दे, जे मोहम्मद ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी। रब दी जान जे मुहम्मद दा ईमान ही ना रहा। उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। मैं हौले हौले तुहानूं चलिया के चलिया इश्क दे वेड़े। मौजू है इश्क रसूल, जे ओ ना आवे तकरीर आखर ते हो जाए ते तुहानूं फिर पता लगे तकरीर शुरू हो गई सी। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा करके ना बाला नू पकड़ के जंजूड़ा डॉक्टर साहब मार के ना ते उमैया कहन लगा बिलाल ਸਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਿਲਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਅਰਬ ਪੜੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਤੋਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ। गुलाम अपने चेहरा उठा के ना ते मालिक दे चेहरे वाल वेख नहीं सकदा, मार पैंदी। पर अज ते मंजर ही अजीब हो गया। चौधरी गुलाम दे बाल पकड़ के जजूड़ा मार के कहंदा ओए बिलाल, ते गुलाम भी आखे चाखे पा के कहंदा की आए। पर गल इंज समझ नहीं आनी। इमाम जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अनीसुल जलीस से लिखा कि जब हजरत बिलाल हबशी आजाद हो गए, एक दिन नबी पाक की बारगाह किसी आके अर्ज की या रसूल अल्लाह बिलाल मक्के की गलियां च बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहा है। हजूर ने फरमा बुलाओ ना जरा बिलाल नूं। वो अपने मुआमिलात नबी करीम नूं दस दे सन, शिकायतां हजूर नूं करदे सन, खुद नहीं सन निमड़दे। एक दिन ना हजरत अबू दर गफारी ते हजरत बिलाल हबशी दी गर्मा गर्मी हो गई। हजरत अबू दर गफारी गफार कबीले ते चौधरी ते बिलाल गुलाम आजाद कर दा हबशी। हजरत अबू दर गफारी गुस्से जाके फरमांदे ने चुप कर कालिया, हुन बिलाल नबी दा लाडला सी। बिलाल रोन लग पे ते उठ के फरमांदे ने मैं दसना ना नबी पाक नूं। ਕਿਤੇ ਬਿਲਾਲ ਰੋਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੌਰੇ ਜਹਲੀਆ ਦੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ।
ते रो के ते हाथ जोड़ कर की थी, कमली वाले तू ते तेरा रब कर माफ, ते बिलाल नाल मैं पढ़नी पड़ लेना। ओ मस्जिद नबी दे दरवाजे दे सामने मदीना दे चौक, उस चौक च जाके हजरत अबू ज़र गफारी जमीन ते लेट गए, अपना रुखसार इस तरह करके जमीन ते मिट्टी ते रखिया। जमाना पिया वेखे ते हजरत बिलाल हबशी नु आवाज दे के कहंदे ने बिलाल ए यार आवी ते जरा अपना पैर जरा मेरे चेहरे ते रख, मेरी आंख टुट जावे। हजरत बिलाल हबशी ने आके ना हजरत अबू ज़र गफारी नु फड़ के उठाया ते रुखसार चुम के फरमांदे ने ए चेहरा मैं जमीन ते मिटन देना जरा मेरे नबी नु बड़ा सोहना लगता है। इंज करके अपने मामलात नबी पाक ना कर दे सा। इसे बात ते मैं पढ़िया करना हौसले माड़े आदे बतावे पिया आजजी तगड़िया नू सिखावे पिया ते वीर गारा च जाके बतावे पिया किन अरशा ते रब ने अपना ही अंदाज हजूर ने सामने बिठा के हजूर फरमांदे ने बिलाल मैं तेनु कुरान सुनावा। अल्लाह फरमांदा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना। अल्लाह फरमांदा अल्लाह वल बुलाओ हिकमत ते दनाई नाल ते सोहनी तकरीर करके खिच के नहीं लियाना अल्लाह वल, नहीं नहीं डांट के नहीं जबरदस्ती नहीं। अल्लाह फरमांदा हिकमत नाल दनाई नाल उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना। मौज़ात हसना की है चंगी तकरीर करके अल्लाह वल बोलो। आई मेरा मिशन है लड़ाना नहीं हिकमत ना कम लेना। हजूर दी सुन्नत मेरे नबी सामने बिठा के फरमा बिलाल तेनु कुरान सुनावा। जी यार रसूल अल्लाह सुनाओ। हुन मेरे नबी कुरान सुनाया, मैं कुरान पढ़ा तुहानु लुत्फ आवे, कोई कारी पढ़े तो तुहानु लुत्फ आवे, ते जदों कुरान वाला आप पढ़े। हुन मेरे नबी केड़ी आयत पढ़ी जो सुभान अल्लाह फरमाओ ते मैं कुरान दी आयत पढ़ा। भाई जदों तुसीं सुभान अल्लाह नहीं ना कहंदे मेरा दिल तोड़ दिंदे हो यार। हाथ भी चुको मैं पता लगे मैं हजूर जूंदे जागदे दीवाने च बैठा। आलां दे वाली ने फरमाया भाई इबादुर रहमान अल्लदीन यमशूना लल अर्दि हौना व इज़ा कातबहुमुल जाहिलून कालू जे कोई जाहिल छेड़ दे ना गाली नहीं देंदे मंदा नहीं बोलते जे कोई जाहिल छेड़ दे कालू सलामा सलाम करके गुजर जाते। शाह जी मियां मोहम्मद बख्श ने तर्जुमा इंज फरमाया आप फरमाते ने इश्क जिन्ना दी भाई इश्क जिन्ना दी हड्डी रचे बिल्कुल ठीक फरमाया।
हजूर फरमाया तेन एक होर आए तो सुनावा जी यार रसूलुल्लाह हजूर फरमाया वला तमशि फिल अर्दि मरहा अल्लाह फरमांदा जमीन ते अकड़ के ना चलो। बिलाल फिर गर्दन हिलाई तर्ज की जी मेरे रब ने अब भी ठीक फरमाया। मैं किताब च पढ़िया कि एक बाबा जी फौत हो गए उन्होंने कबर च खुशबू आवे पिंड वाले रल के माई साहबा को गए थे आखे बाबा जी कबर के खुशबू क्यों आती है वजह की है कह लगी बाबा उंज ते कोई बड़िया नेकियां नहीं सी करदा ते कुराने मजीद नाजरा भी नहीं सी पढ़िया पर सवेरे फजर तो बाद उठ के ना कुराने मजीद दी एक एक लाइन ते एक एक कितार दे उते ना एक एक सफे दे उते इस तरह उंगलियां फेर के कहंदा सी आ मेरे अल्लाह ने फरमाया ए ठीक ही फरमाया आ भी मेरे रब फरमाया बिल्कुल सच फरमाया सच फरमाया मेरे रब ने। नौजवान हजरत बिलाल हबशी हर गल से आखन जी यार रसूल अल्लाह मेरे रब ने फरमाया ठीक फरमाया। जब हुजूर ने तबलीग कर ली ना तो बिलाल हबशी ने हाथ जोड़ के अर्ज की जी अल्लाह ने तो ठीक फरमाया पर अब मैनू क्यों पे समझाते हो मैं की कीता जी। हजूर ने फरमाया बिलाल सुनिया तू मक्के दी गलियां च अकड़ के चलना है। बिलाल दिया ते निकल चीखा गई अर्ज की थी कमली वाले मैं की आखना मैं ते गुलाम अर्ज की थी कमली वाले मेरा रंग भी काला है पल्ले गुण भी कोई नहीं अर्ज की थी सोने मैं की आखना है मेरे आका ने पर मैं सुने लोग ने बिलाल अकड़ जाए हजरत बिलाल ने हाथ जोड़े अर्ज की थी कमली वाले ये सच्ची पूछना सानू आखना तू दियां अर्ज की कमली वाले जदू का तेरा इश्क कमा के अमीर आया अज कोई चौधरी मके का काफिर अज आकड़ के गुजर जाए अदरों तेरे इश्क की आवाज आई है बिलाल आकर बिलाल आकर बिलाल आकर ए जूता हो के आकर सकद तू सच्चा हो के भी आकर सकना आख्या सुने सा गरीबा नु ते आकड़ा ही तू दित्तियां सानू कौन पुछदा सी मैं इन इंज पढ़ांगा अरबी सुल्तान आया कोई अरबी सुल्तान आया कोई अरबी सुल्तान आया ए नीवियां उच्चियां दे सोना फर्क मिटान आया ए सोना फर्क मिटाना आया गिरामी कदर उन्हें ऐसा करके ना बालन पकड़ के जो जुड़ा मार के कहता है बिलाल आके जाके पाके परमात्मा ने किया है कहता कुछ नहीं फबोहे तल्लजी कफर काफिर दे होश उड़ गए ये हबशी होके काला होके गुलाम होके ते चौधरी दे सामने पे आकर कहने लगा कुछ नहीं बिलाल फरमाते ने हुण बोलना 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 कहने लगा बस आ ही पूछना इन्ने दिन गुजर गए ते रात गुजर गई मैंने तेन मार दिया कंडिया वाली सोटी ना मार दे ते कंडे बिलाल दी हड्डियां नु लग के ते जिस्म दे विच ही टुट जांदे कहता मैंने इन्ने दिन गुजर गए तेन मार दिया तेन दर्द नहीं होता तू कदे हाय नहीं की कदी मेरा समाज तरला नहीं किया कि मैंने छोड़ दे तेन दर्द नहीं होता बिलाल हबशी फरमाद ने करीब आ जरा मेरी गल सुन करीब होया तो बिलाल फरमाद ने कान च मेरी गल उन्होंने कान करीब किया तो बिलाल हबशी के कान च फरमाद ने है तू बेईमान पर मैनू ईमान नाल दसी कदे इश्क कीता ही उमैया उठ के कहंदा ओ की होंदा परमाया जालिमा पता ही ओनू होंदा जिन्हें कीता होवे
तू कीता ही नहीं तेनों की पता होवे। कहन लगा मैं तेनों दर्द पूछना तू इश्क पिया सुनाना है। फरमाया जलिया ए दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से। ए इश्क है ही दर्द। दर्दां बाज नी सीने च छेक पैंदे ते छेकां बाज नहीं मोती परोए जांदे। तेनों की पता होवे इश्क केड़े दर्द ना है। कहन लगा मैं ते तेनों बस पूछया तेनों दर्द क्यों नहीं होंदा। आपने फरमाया मैं तेनों सौखा करके समझा देवां। आपने फरमाया जालमा इश्क दा कानून है आशिकी अख बंद करे सामने मशहूक आ जांदा है ताली भी अख बंद करे सामने मतलू भी आ जांदा है मुहिब अख बंद करे सामने महबूब भी आ जांदा है अख बंद करना सामने रसूल आ जांदा है। फरमांदे ने तू कोरियां दी गल करना है इश्क विच यार सामने आवे जान निकल जांदी है पता लगदा ही सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब जब मैं छोटा सा ना मैं अपने वालिद गिरामी खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ आसी रहमतुल्लाह अलैह आप दे नाल मैं बचपन चुंगली पकड़ के जलसे ते जाना आप दे खिताब सुनने वालिद गिरामी दे। आपने जो बयान करना ना कि हजरत बिलाल नु इन्नी मार पई अमार बिन यासिर नु इन्नियां मारा पईयां ते हजरत बीबी सुमैया नु दो टुकड़े कर दिता अबू जहल ने। मैं बचपन च बैठ के सोचना कि ये तो इश्क दे बंदे सन मारते अबू जहल नु पैनी चाहिदी सी रब दा दुश्मन सी मारते अबू लहब नु पैनी चाहिदी सी उतबा उतैबा शैबा अखनस बिन शरीक उमैया बिन खलफ और जेडे वड्डे वड्डे रब दे दुश्मन सन नमरूद फिरौन शद्दाद हमान मारा तीन ना पहनिया चाहिए सर। पर हैरत दी जाए वो जिन आख्या मैं रब अना रब को मुल आला उन्होंने रब ने तख्त ते बिठा के बादशाह बना दिता उन्होंने अल्लाह ने पूरी कायनात दी शहनशाही दे दी नमरूद ते अबू जहल वर्गे नु फिरौन वर्गे नु अल्लाह ने शहनशाह बना दिता ते ओ जिहड़े इश्क दे बंदे सन ना कदे अग विच छालां कदे पुत्र दे हलक ते छुरी कदे टुकड़े कराए जा रहे कदे आरे हेठ लिया के टुकड़े कर दिता कदे सूली चढ़ गई। मेरी बात समझ च ना आवे कि आ जिहड़े इश्क दे नाजुक जे बंदे इन्हां नु ते फुल्लां दीआं सेजां ते बिठाना चाहीदा सी ते दुश्मनां नु अल्लाह ने तख्त दे दित्ते पर मैनूं किसे सूफी ने समझाया आवाज तू पहचानना के भांडा कच्चा के पक्का है जे खनक की आवाज आनी तो खरीद लेना भांडा पक्का जे पिल्ली आवाज आनी कच्ची आवाज आनी तो दुकानदार नो ओ बर्तन वापस करके कहना इन पट्ठी चो होर पकाओ कच्चा है पिल्ला है। तो बाबा जी मैं फरमान लगे आसी पुत्रा कच्चा भांडा ते माई नहीं खरीदी। इंसान भी जो इश्क की मंडी च विकन आता फिर यार भी ठोक के बजा के वेखता कि तेरे कच्चा ही तो नहीं आ गया फिर माही भी ठोक के बजा के चेक कर दे। तुसी बोले ते नहीं सुभान अल्लाह पर मैं तुहानू मियां मोहम्मद बख्श दा शेर सुना ही देना या अल्लाह जरा उच्चा बोले अज तो बाद अपनी अम्मी नू अम्मी जी ते अबू नू अबू जी कहे करे क्योंकि हुण मापिआं नू ते जी घट ही कहिंदे ने जीआं नू जी कहिंदे ने हुण जरा इस तो उच्चा बोले ए साल अपनी अम्मी ना हज करके आओ हूँ जरा इस तू उच्चा बोले पांच वक्त का बाज जिंदाबाद।
آمین 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 کچیاں نو کوئی نہیں ماردا مار پکیاں نو ہی پیندی ہے حضرت خواجہ سلیمان تونس بھی رحمت اللہ علیہ تونس دی گلی چ جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بیری دے درخت نو نا پتھر پہ مارن ایک پتھر خواجہ سلیمان تونس بھی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ دے متھے تے جا لگا تے خون دا فوارہ نکلیا آپ اس بچے نو پکڑ کے فرما دے منو کیوں مارے بچہ رو کے کہن لگا بابا جی میں تہانوں تے نہیں ماریا فرما کنو ماریا کہندا بابا جی میں بیری نو ماریا ہے تے ولی لجپال ہوندے نا فرما دے منو نہیں ماریا تے اونوں بیچاری نو کیوں مارنا ہے बच्चा कहन लगा बाबा जी मैं जदू भी बेड़ी नू डोड़ा मारा वो बेर सुट दी है खाजा सुलेमान तो उस भी चीख मार के बेहोश हो गए होश आया तो उस बच्चे ने पिछो दौड़ के जाके पकड़ के सीने लगा के ना इक्की निगाह की थी ते वलायदिया सारिया मंजिला तय करा के फरमा देने बेरी नू रोड़ा मारिए ते बेरी बेर दें दी है ते वली नू रोड़ा मारिए वली कुछ नहीं देता भाई जेड़े नाल पकन मुहम्मद रोड़े खांदे मारा पकिया नु पैंदियां ने बिलाल जद पक पक के पक गए ना एक दिन नबी पाक सहाबा च बैठ के फरमा कोई होवे मेरा बिलाल ही खरीद लवे ओ दुनिया सदाकत दा ते दुनिया इश्क दा इमाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नाल बैठे हजूर ने जो फरमाया को मेरा बिलाल ही खरीद लवे तो हजरत सिद्दीक अकबर को ख्याल आया इन्हें गुलाम अपनी मर्जी दे खरीदना है एक यार दी मर्जी दा भी खरीद ला चुप के ना लौट के निकलन लगे ते नबी पाक पे चुप फरमांदे ने ओंज जेड़ा बिलाल नु खरीदन जावे ना ओ मेरा हिस्सा ले जावे सिद्दीक मुड़ के कहंदे ने सोनिया हिस्से ते शरीका नाल खरीदे ने हबीबा नाल कोई हिस्से ते नहीं ना करदे हबीबा नाल कोई हिस्से खरीदे ने भाई शरीक ते अद्धे दा वारस हुंदा ना एक बाप दे दो पुत्र होवन ते अद्धे अद्धे दे शरीक हुंदे ने ते हबीब शरीक नु इंदे ने हबीबा नु ते कहिंदा जी कुल्ली भी तुहाडी है जुल्ली भी तुहाडी है ते असीं भी तुहाडे ही हबीब ते सारे दे वारस हुंदे ने शरीक ते अद्धे दे वारस हुंदे ने आख्या सोहणिया तू ते हबीब है ते मेरा सारा कुछ तेरा है हजरत सिद्दीक अकबर निकले ना हजरत बिलाल नु खरीदन ते ओ चौके च मक्के दे चौके च ओ मैया हजरत बिलाल नु पे मारे बिलाल बेहोश ने ते कई मन दा पत्थर ने सीने ते रखया के हिले ना बिलाल दा खून पे बगदा जेड़ा गुजरदा ओदे हाथ च जो आंदा बिलाल नु मार के गुजर जांदा ए साडे पुत्तां दा दुश्मन है लोक कोठियां ते चढ़ के तमाशा देख रहे हजरत सिद्दीक अकबर करीब तो गुजरे ते फरमांदे ने जालिमा क्यों पे मारना उस गरीब ने तेरा की बिगाड़े उमैया बड़े गुस्से ना बोल के कहन लगा एडा गुस्सा लग दी ते खरीद ले फरमाया बोली बोल सारे लोग इकट्ठे हो गए सारे इकट्ठे हो गए गर्मा गर्मी होगी ना बाजार उमैया नु ख्याल आया मैं तेनु बेचना ही नहीं इन्हों ते मैं इस वास्ते अज चौके च लैके आया इन्हों चौके च मार मार के मार देवा दूसरे गुलाम मुहम्मद दा डर के कलमा ना पढ़ मगर हुण दे लबा चो निकल गया खरीद ले ते सिद्दीक आख्या बोली बोल उन्हों ख्याल आया होवे ना ते बोली एडी उची बोला खरीदा ही ना सोच सोच के कहन लगा जे बिलाल खरीदना ते 1000 दिरहम लगदा है लोग तुर पे के बिलाल दा 1000 किन्ने देना ते कौड़ियां दे भाव वेचिए ते खरीदा कोई नहीं एदा 1000 किन्ने देना परवाह सिद्दीक तेरी भी अदवा तू सदके जावा 1000 दिरहम दी थैली कढ़ी ते मैया दी थैली ते रख दित्ती ओदे होश उड़ गए एदा 1000 मंगया ते 1000 मिल गया काफिर सी ना मुकर गया कहन लगा मैनू भुलेखा लग गया मैं 2000 कहने सन आ सिद्दीक दूसरे 1000 दी थैली भी कढ़ी ते ओ भी ओ थैली ते रख दित्ती कहन लगा नहीं अजे सौदा पक्का नहीं होया मैं सुनया तेरे को लेको गुलाम है निस्तास मिस्र दा बड़ा सोना बड़ा कारीगर ते अपने मालिक नु बड़े पैसे रोज कमा के देंदा कहंदा ओ भी मेनू दे दे सिद्दीक अकबर फरमांदे ने ओ भी तेरा कहन लगा ओदी बीवी फरमा ओ भी तेरी लौंडी ते बांधी कहन लगा दे बच्चे फरमा ओ भी तेरे गुलाम बाजार दे लोग कहन लगे उमैया हया कर सौदा करके मुकरना दे बिलाल अबू बकर नु हुन मैया तो गल ना बने कहन लगा जा अबू बकर बिलाल नु ले जा हजरत सिद्दीक अकबर जोर लगा के कई मंद पत्थर बिलाल दे सीने तो हटाया ते बिलाल दा दामन पकड़ के हिला के फरमांदे ने उठ बिलाल तेरे खरीदार आए नहीं उठ बिलाल खरीदार आए नहीं बिलाल तो उठे ना जावे हजरत सिद्दीक अकबर सहारा दे के उठा के ना ते बिलाल दा बाजू अपने कंधे ते रख के टुरे जमाना पिया वेखे उमैया आवाज दे के कहन लगा अबू बकर जरा ठहर आप ठहर गए कह
कह लगा मैं सुनिया तो रब का बड़ा सियाना ताजी ने पर अज ते बड़े गाटे का सौदा किया अपने परमा कि कह लगा इन कौड़िया के भाव खरीदा कोई नहीं हजारा का खरीद के लै चले आई अगर सिद्दीक अकबर परमा लगे जालमा ये घाटे का मैं नहीं तू सौदा किया कह लगा मैं ते हजारा कमाए ने फरमाया इश्क विच यार दी पसंद वेखी जाती है ये मेरे यार नूं पसंद आ गया है फरमाया महंगा भी लाल हजारा का बेच दिता ही आपने फरमाया रबे काबा दी कसम इनू खरीदने वास्ते कदे मैनू विकना पैंदा आप विक जाना सी बिलाल खरीद लेना सस्ता ही बड़ा बेच दिता سبحان اللہ سبحان اللہ اکھ دی ٹھنڈک زندہ چن یا فرمایا جاؤ ظالم ایڈا سستا بیچ دیتا ایڈا مہنگا بلال اتو آوازاں آ رہی ہیں ارزاں خریدم ارزاں خریدم ارزاں خریدم سستا ہی لے لے آئی سستا ہی لے لے آئی سستا ہی لے لے آئی ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا ظالمہ بیچ دیتا گرامی قدر حضرات بلال حبشی نو خرید کے جدو ٹورے نا پڑا کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے منو پتہ مست ہو گئے ہو پر میں گل کیتی سی نا پہلے کہ شیخ سعدی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چکدا ہے عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ बड़ी तो सबूत की गल कर लगा जिन्हें समझ ना समझ आवे जेड़ा ना समझे फिर कदे सही मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जे कीमत याकूब करे दे ते मुल ज़ुलैखा लैंदी जान देंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पैंदी खरीदन ते वेचन दा मजा उदों आउंदा है जिहड़ी चीज विकदी होवे ना खरीदन ते वेचन वाले नूं उहदी कदर दा पता होवे बिलाल दी कदर मैया नु की पता बिलाल दी कदर सिद्दीक नु पुछ ओ मिस्र दे लोकां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु दौलत ते खजानियां ते बेच छड्या ते कौडियां दे पात कौडियां ते बेच छड्या बत्ती खोटे सिक्के ते मौलाना गुलाम रसूल आलम फरी फरमांदे ने ना खरीदन वाले नु पता ते ना बेचन वाले भरावां नु पता आ फरमांदे ने खरीदन ते वेचन दा मजा उदों आउंदा जदों हजरत यकूब वेचन वाले हुंदे ते ज़ुलैखा खरीदन वाली हुंदी ओ भी यूसुफ दा आशिक ते ओ भी यूसुफ दी आशिका पता फिर लगना सी यकूब वेचदे हुंदे ते ज़ुलैखा खरीददी हुंदी ते कहंदी एक झलक यकूब अपने पुत्र यूसुफ दी विखा दे मैं जान दे देवांगी ते हजरत यकूब फरमांदे ने इह भी मुल थोड़ा है मैं तेनु अपने यूसुफ दी झलक भी ना विखावां फरमांदे ने जान दिंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पैंदी ਇਹ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦਰ ਕੀ ਦੀ ਬਿਲਾਲ ਅਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਰੀਵੀਆਂ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ असा गुलामा कदे मालक दे चेहरे नहीं वेखे सुनिया मारा बड़िया पैदियां ने फरमाया बिलाल उन्हों दुनिया दार दा गुलाम नहीं बनया रब दे यार दा गुलाम बनया भुनी गावा झुका के ना जिया कर भुनी गावा उठा के जिया कर फरमाया आ तेरे इश्क दा इनाम
मैं जन्नत जावांगा तुम तो तू पहले मेरी उम्मत जन्नत जाएगी फरमाया बिला दा इनाम है बे ए मेरे तू पहले जन्नत जावेगा अर्ज की थी कमली वाले आओ जन्नत दा ताला ते तुसा खोलने बिलाल की मैं पहले जावेगा फरमाया जड़ी सवारी ते बैठे मैं जन्नत जाने ओदियां बागा फड़ के अगे अगे बिलाल तुरदा होवे जन्नत भी मेरे नाल पहले जावेगा वे बिलाल दे इश्क दा इनाम वेख बस आ गए उधर मुस्तफा ते ते हुन इश्क आ गया हुसैन दी बारगाह विच ते अजान दी ड्यूटी लग गई सारे बंदे सुभान अल्लाह बोल सकदे भी नहीं एकड़ा एडा सौदा सस्ता सौदा है सियाने लोग कहते हैं वड्डे लोगों के कद वड्डे नहीं होंगे वड्डे लोगों के दिल वड्डे होंगे दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा हो समुद्रों डूंगा हो इश्के मुहम्मद दी लहर आन सुभान अल्लाह की आवाज आप ही पई निकलती है अजान की ड्यूटी लग गई उन्हें पहले दिन करना चुंगलियां लैके जो अजान पढ़ी तो फरिश्ते वजद ही आ गया अल्लाह फरमा फरिश्ते आख्या सी ना एक दिन आवाज एदी होवेगी नगमा मेरा होगा फिर जग भी सुनिया करेगा ते रब भी सुनिया करेगा दाता ली हुजवेरी मैं सुना के बस दाता ली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एड्डी मिठी अजान पढ़दा एड्डी मिठी अजान पढ़दा कि नबी पाक जब सफर तो थक के मदीने आंदे ना तो मदीने आके हजूर फरमांदे ने अरहना या बिलाल बिस्सला बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद की थकावट उतर जावे एड्डी मिठी अजान पढ़दे एक दिन हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ रहे नमाज पढ़ के जो बाहर निकले ना ते मस्जिद के गवांड विच एक यहूदी हजरत बिलाल हबशी नूं कहन लगा बिलाल तू कदे उस दुकान तू उधार लेना कदे उहदे कोल उधार लेना कदे ओ यहूदी कोल उधार लेना उधार अपना नहीं होंदा हजूर दा होंदा ते हजूर दा भी अपना नहीं होंदा मस्जिद नबी दे बूहे ते आके मंगता बोल के कहंदा कुछ दियो हजूर फरमांदे ने बिलाल ओ दुकानदार को टुर जा ते उधार ही खरीद के दे दे बिलाल तू तो इन दुकानदारा को खरीदना है ते मेरे को इन्ना सौदा है एडा मैं अमीर हाँ तू मेरे को खरीदिया कर जो हुण दे दिया कर बिलाले हबशी नूं भी ख्याल आया बहुत चंगा एक दा ही उधार होवे आप उहदे कोल उधार खरीदण लग पे इत्थे आके हजरत अलामा शेखुल हदीस हजरत अलामा फैज मुहम्मद वैसी फैज अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह बहावलपुरी एक बड़ी मोहब्बत की बात लिखी आ फरमाते ने असल वजह यह सी कि यहूदी का मकान सी मस्जिद नबी दे नाल जदों बिलाल अजान पढ़ देना ते बिलाल ने अजान पढ़नी ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर الله اكبر الله اكبر سبحان الله شادی انہوں نے نا اے اپنے گھر وچ ہی بیٹھ کے نا سبحان الله سبحان الله اس طرح جونا بلال دی آواز تے انہوں ایک دن خیال آیا جے میرا اے حال ہوندا تے سارے یہودیاں دے ہی ہوندا ہوے گا سبحان जे बिलाल इंज अजाना पढ़ता रहा ते ओ ना होवे सारे यहूदी कलमा पढ़ जान ते बिलाल दा बंदोबस्त ना कर लवां उन्हें ख्याल आया कि जदों कोई चौखे पैसे उधार हो जाएंगे ना बिलाल दे मेरे वास्ते मैं इहदे कोलों दित्ते पैसे जाने नहीं ते मैं अपना गुलाम बना लवांगा इह अजान ते छड्डे हजरत बिलाल हबशी उहदे को सौदा खरीद लग पे ते उधार हो गया लखां दे हिसाब नाल एक दिन हजरत बिलाल अजान पढ़ने आए थे वो मदीने दे चौधरी यहूदी नाल लेके आ गया थे हजरत बिलाल नु कहन लगा बिलाल तीन दिन दे अंदर ते मेरे को इंतजाम कर ले पैसे दा अगर ना दिते ते जिवें पहले गुलामियां करदा सा हुण भी गुलामियां करेगा बिलाल अजान पढ़ के रोंदे रोंदे नबी पाक दी बारगाह च आके अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अद्धी जिंदगी ते गैरां दी गुलामी च गुजर गई
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੋਹਣੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਈ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆਈ ਤੇ ਬਿਲਾ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਇ ਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਆ ਜਾਣਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਓਈ ਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਮਦੀਨੇ ਆਲੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਜੇਦਰ ਊਂਟ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਊਂਟ ਤੋਹਫਤਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਬਾਂ ਦੇ ਲਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਿਲਾਲ ਹਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਊਂਟ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਊਂਟ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਊਂਟ ਸਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤਿੰਨ ਊਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਟਹਿਲ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਬਨਵਾ ਏਡੀ ਮਿੱਠੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੀ ਚੌਧਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਜ਼ਾਨ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਉਧਰ ਉਧਰ ਮੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੰਦ ਨੇ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਹ ਬੇਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਕਵਾ ਰੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਦਵਾਰਾ ਮਲੀਏ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਬਾਂ ਜਗਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਪੁੱਲ ਸਿਰਾਤ ਤੇਰਾ ਲੋਕੀ ਹਜ
पक्के रो जाते मैं मुख वे खा तेरा मक्के दे अंदर एक गोरा है जिदा नाम बुलावे जबानो 8 किलो सोने दा मालक जात दा भी चौधरी है रंग भी एडा गोरा लोग नु बुलावे आंख देने अल्लाह ने फरमाया तब्बा दिया दे अभी लगना भी ओ तब अल्लाह ने फरमाया बोला बा तेरे हाथ टूट जाओ अर्ज की दिया अल्लाह गोरा ही बड़ाए 8 किलो सोने दा मालक है अल्लाह ने फरमाया इन्हें मेरे यार दा रंग नहीं चढ़ाया ये सोना ही नहीं लगदा अर्ज की दिया अल्लाह सोना कौन है फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी गोरा है जात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है ओ ते सोना नहीं लगदा मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी काला है जात दा भी गुलाम है जुटी आई जुटी पान वाला ओदा लिबास तार तार है हालत दिल सिगार है तेरे ते गर्दो बारे आवाज आई एदे नाली प्यार क्योंकि एदा नाम पिला वाह सोना लग दे जिन्हें अपने रंग काले थे यार दा रंग चढ़ा रहे पीरे बाहु ने फरमाया दिल काले नालो मुंह काला चंगा जे कोई इस नु जाने हो मुंह काला दिल अच्छा होवे तां दिल यार पछाने हो पैगाम की है सारी तकरीर दा पैगाम की है क्यों ये गल सुनाई नौजवान चाहता मैं सोना हो जावा गोरा हो जावा चेहरे ते फेशियल करा के क्रीम लगा के पॉलिश करा के कि मैं गांव दी गली च गुजरना ते लोग कहने मुंडा बड़ा सोना मिंबर ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना मेरी मिल्लत दे नौजवान अपने चेहरे ते लखा रुपए लगा तेन होरे कोई ना वेखे अपने चेहरे ते कमली वाले दा रंग चढ़ा तेन कोई ना वेखे मुहम्मद दा रब वेखे वेखे जे रब नूं पसंद आना चाहना ते ओ रंग काले नहीं वेखदा दिल विच कमली वाला वेखदा रंग जारी तौर ते गोरा ना होवे मगर अंदर काला ना होवे कोशिश करो अपने चेहरे ते हुजूर दा रंग अपनी जिंदगी ते हुजूर दा रंग चढ़ा लो तुहानू दसना ना पवे मैं मुसलमान हां मैं नबी दा दीवाना नहीं नहीं तैनू वेख के लोग आखणे नबी दा दीवाना दिल दिल भर नूं दे दईए ते कर छड़ीए नजराना फिर ऐसे उस दे होके रहिए जाने कुल जमाना लो मैं 2 मिनट च हजरत दाई अकल भी वाला वाकया सुना देवां ते फिर इजाजत फिर कदे तफसील गुफ्तगू करांगे जी शाह जी बस जी इतने बस सुनाना चलो नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम एक दिन मदीने दी गली च जा रहे ते सोहना जिहा नौजवान मिलिया उहदा नाम है दाहिया कलबी एडा सोहना के चेहरे ते नकाब रख दे औरतां दरवाजे पिछे छुप के उहदा रस्ता उलीकदियां सोहना लगा ते मेरे नबी रात नूं दुआ कीती अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक लि सलामा दाहियत कलबी अर्ज़ कीती एडा सोहना बनाई ते दोज़ख च साड़न लई बनाई मेरी गुलामी दे मैं जन्नत दा वारिस बना देवां रात नूं दुआ कीती सुबह दाहिया कलबी रोंदे ही आ गए मेरे नबी नूं अर्ज़ कीती सुणिया ओ पैगाम सुनाओ जिहड़ा अल्लाह ने दे के भेजे खुदा दी वहदानियत ते अपनी खत्मी रिसालत दा ऐलान सुनाया अर्ज़ कीती सुणिया मैं कलमा ते पढ़ लवां मगर गुनाह इतने कीते कि अल्लाह ने माफ ही नहीं करना फरमाया तू मेरा कलमा पढ़ मेरा रब नाल एग्रीमेंट जिहड़ा मेरा हो जे रब उहनूं कुछ नहीं कहता उच्चा बोलो छगन छड़न लगन तुहाडी जान बंदे फिर भी मत्थे लगना हुंदा है बस भाई हूँ बड़े नारे हो गए मेरा पुत्र बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़े आते फिर रोए हुजूर ने फरमा हुन क्यों रोना अर्ज की सोने एक गुनाह याद तेरे रब ने माफ नहीं करना फरमा वो भी सुनो अर्ज की मैं जड़े कबीले का सरदार हाँ 700 अफराद का कबीला ते असी पुत्र पाल लेने ते बेटियां जिंदा ही दफन कर लेने मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां जिंदा दफन करके सैयद आलम रोन लग पे जबरील ने आके अर्ज की इन्हें कहो पिछले दी माफी ते आइंदा ना करी दाहिया फिर रो रहे हुजूर फरमा हुन क्यों रोना अर्ज की एक गुनाह याद अल्लाह ने ओ नहीं माफ करना मेरे करीम ने फरमा ओ भी सुना अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं
तिजारत वास्ते हिंदुस्तान के किसी दूर दराज मुल्क कई साल वास्ते जा रहा बीवी नु कह के गया जब पुत्र होया ते पाल नवी ते बेटी होई ते जिंदा ही दफन करा दे। कई साल के बाद आके जब दरवाजा खड़काया तो छोटी जी बच्ची दरवाजा खोलिया। मैं पूछा तू कौन है? वो पूछती तू कौन है? तियां नू पिवां ते बड़े मान आउंदे ना। अर्ज कीती सोहणे जब मैं पूछा ना तू कौन है ते बच्ची बोल के कहन लगी मैं अपने बाबा की बेटी हाँ। जिन्हें बाबा जे वेखे मैं अपने अबू की बेटी हाँ। मैं इस घर के मालिक की बेटी हाँ। अर्ज कीती सोहणिया मेरे लबा चो निकल गया जे तू घर के मालिक की बेटी है तो घर का मालिक ते मैं हाँ। कमली वाले मैं आख्या बच्ची ने मेरिया लत्तां नूं जफ्फा मार ले आओ। रो के कहन लगी बाबा किते टुर गया सैं मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही आं मैं तेनूं वाजां मारदी रही आं। अर्ज कीती सोहणिया उन बच्ची नूं धक्का मारिया अपनी बीवी नूं पुछिया कौण ऐ ओहदी मां ने हथ जोड़ ले कहन लगी दाइया मरीना तेरी बेटी अपनी मां दी जाने। अर्ज कीती कमली वाले बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी ऐ एडी प्यारी बच्ची मेरे खून खौला मारिया दिल की अपनी बेटी नु सीन न लगा लवा। मैं सोचया लोग आखना है साड़िया दफन करदा रहा है अपनी नु सीन न लगा के रखे आई अपनी बीवी नु आखे नु तैयार कर दफन कर आवा कोई मैनू बेटी का बाप ना आखे। अर्ज की सुने ओदी मां ने कदम फड़ ले कह लगी दया मरीना एदी मां मर जाएगी। अर्ज की सोनिया बीवी नु धक्का मारिया अपनी बेटी नु लेके जंगल वल जा रहा वो बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहती है बाबा किथे टुर गया सैं मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही आं ते बाबा आ गया है मैनू जोड़े लै दे खिलौने लै दे कदे नानके नहीं गई आ जा नानके चलने आ। अर्ज कीती सोहणिया मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं कमली वाले आ जंगल आया बच्ची नूं धुप्पे बिठा के दी कबर खोद रहे आओ वो बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है ताले कहंदी है बाबा छावे आ जाओ बड़े सालां दा थकया आया है आ जा घर चलने आओ। अर्ज कीती सोहणिया मैं बच्ची नाल बोलदा ही नहीं औलादा वाले अज भी अद्धी रात वेले बाप घर आवे पुत्र सो जांदे ने अज भी धीआं प्यौआं दीआं रावां उड़ीकदीआं ने अज भी बाप घर आवे कोई नसीबां वाला पुत्र सीने लगदा है अज भी धीआं प्यौआं नूं जफ्फे मार के रोंदीआं ने। अर्ज कीती सोहणिया कबर तैयार रही मैं बच्ची नूं धक्का मारिया बच्ची दीआं चीखां निकल गईआं ते मिट्टी बांदर ने निक्के निक्के हथ जोड़ ले ते रो के कहन लगी बाबा मरीना मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही ते बाबा मरीना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी ते बाबा मरीना मैं नानके भी नहीं जांदी ते बाबा मरीना मैं खिलौने नहीं मंगदी ते बाबा मरीना मैं जोड़े नहीं मंगदी बाबा दरवाजे पीछे छुप के तेरा राम दी कलवाऊंगी। अर्ज कीती कमली वाले दर्शन आया मैं मिट्टी पांदा रहा कमली वाले आयो बाबा बाबा कर दी रही सुनिया मेरी रातां दी नींद मुक गई मेरे दिन दा आराम खत्म हो गया अज भी रात नू लेट नौ कन्ना चोदिया बाबा बाबा दियां बाजां हुंदियां कहंदी मरीना तेरी बेटियां मार जाओ पर जांदी वार दस जाओ मेरा कसूर की है। अर्ज कीती सोहणिया मैं मिट्टी पांदा रहा बच्ची ने आखरी वेले समा उन वल वेखे
आओ कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाना है कह लगी बे आउण वाले आओ जरा जल्दी आ जा धीआं उमर चलियां नी अर्ज कीती सोहणिया बच्ची दफन हो गई तेरे आगाए नारे सरकार दी दाड़ी मुबारक तरे आ गई सहाबा धाड़ा मार के रो रे किसे ने आख्या दहिया चुप कर जाओ क्यों प्या नबी नूं रुलाना है तेरे आका ने फरमाया दहिया एक बारी फेर उस बेटी दी गल सुना जेड़ी मुहम्मदियों दी कई करदी टुर गई जिद्दे ते बेटियां ते बहना दी जिम्मेदारी आ जाए।